पहली बात, इससे प्रश्न आता क्या है, क्या कंफ्यूजन आती है? तो कंफ्यूजन ये है कि ये कहाँ पर बनाई गई थी? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है या फिर ये मरीना बीच चेन्नई में है? कहाँ पर है ये एक्चुअल में मूर्ति? कुछ लोग कहते हैं कि बनी वहां पर है, प्रतिकृति वहां पर है। तो प्रतिकृति की अगर मैं बात करूं तो प्रतिकृति जहां तक मुझे पता है जीरोक्स उसको कहते हैं जब किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाई हो। अपनी कोई प्रतिकृति नहीं बनाता, अपने ही दो संस्करण बनाए जाते हैं। कह देते हैं हमने प्रतिकृति बनाई है, ठीक है, चलिए उसको भी मान लेते हैं, लेकिन ये है क्या वास्तविकता में? कहाँ कहाँ पर है? हमें कौन सा राइट टिक करना है अगर एग्जाम में दोनों आ जाए तो? ठीक, चलिए ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और यही हम दूर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये लिखवाऊंगी, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि इसके दो संस्करण थे, मतलब ये डीपी राय चौधरी ने ही दो बार बनाई है या दो जगह बनाई है ये हम कह सकते हैं, क्योंकि एक ही उठकर दो जगह नहीं गई है, ये दो बनाई गई है। पहली आप देखेंगे इसके दो संस्करण थे, तो प्रथम प्रथम को लिखेंगे। प्रथम कहां पर था? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के बाहर ही लगा हुआ है, मेन गेट से दिख जाता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। अब बाहर से इसको देख सकते हैं, ये लगा हुआ है ब्लैक से कलर में, ग्रे से कलर में लगा हुआ है, इसके दर्शन कराएंगे आपको। देखिए कब बना? 1954 में। कब बना? 1954 में। तो देखिए ये प्रथम है, मतलब सबसे पहले ये बना। मरीना बीच वाला इसका मतलब बाद में बना है, क्योंकि मैंने इसको प्रथम लिखवाया है, ठीक है। अब देखते हैं द्वितीय वाला। द्वितीय क्या है? मरीना समुद्र तट चेन्नई। कहाँ बना? मरीना समुद्र तट चेन्नई। कहाँ पर? मरीना समुद्र तट चेन्नई, तमिलनाडु। अब देखिए ये कब बना? तो सन के अकॉर्डिंग देखेंगे कब बना, दोनों का सन क्योंकि अलग अलग है, तो ये हमारा बनाया गया था 1959 में। 1959 में। अब बात आती है आखिर दोनों का माध्यम सेम है कि अलग अलग है? तो दोनों का माध्यम सेम है, और दोनों का माध्यम क्या है? कांसा, ठीक है, दोनों का ही माध्यम कांसा है। अब देख रहे हैं आप क्लियरली, आपको डिफरेंस पता चल रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपको सन दिया है तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 1954 अगर दिया है तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली टिक करेंगे, लेकिन अगर आपको दे दिया गया है 1959 तो मरीना बीच समुद्र तट जो आप चेन्नई का है उसको टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन आमतौर पर आपने देखा है कि ये पहले काफी आता था, अब जो प्रश्न आता है वो ये वाला ज्यादा आता है। अगर कभी ऐसा होता है, वैसे ऐसा होगा नहीं कि आपको सन नहीं दिया हो और दोनों चीजें आपको ऑप्शन में दे दी जाए, ठीक, बहुत कम होता है, ऐसा होता नहीं है, आपको मेन एक ही चीज ऑप्शन में होगी। अगर दोनों दे दी तो दोनों ही मेरे हिसाब से सही है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो आप देंगे हमेशा याद रखेंगे, वो फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको देंगे, क्योंकि प्रथम वाला यही है। अगर वह सन नहीं देता है और दोनों आपको ऑप्शन में दे दें, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय भी दे दे और मरीना समुद्र तट भी दे दे, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता वो क्या दे देता है, ठीक है। चलिए ये तो कंफ्यूजन आपका दूर हो गया, और इनका माध्यम भी आप दोनों का लिखेंगे कांसा है, ठीक है। आप देखिएगा इसमें है क्या, कई बार ये पूछ लेता है कि इसमें क्या है, क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है इसमें, इसमें डीपी राय चौधरी ने क्या बताने की कोशिश की है। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये श्रम की विजय, जैसा कि टाइटल से हमें पता चल रहा है कि इसमें कुछ ऐसी चीज होगी ट्रम्प ऑफ लेबर की, कोई भारी भरकम चीज होगी जिसको उठाने का प्रयास किया जा रहा होगा, या फिर इसमें कुछ परिश्रम वाली चीज होगी। तो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ चार मजदूरों का एक उन्होंने समूह दिखाया है जो एक भारी भरसक एक पत्थर का टुकड़ा है उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर हम ये कहेंगे राजमिस्त्रियों का समूह है जो उसको उठाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया, कई बार पूछ लिया जाता है इसमें, तो इसमें लिख लेंगे इसमें क्या है। ऊपर मैं लिखा देती हूँ थोड़ा सा, अब लिखेंगे इसमें
चार राज मिस्त्रियों का समूह, चार राज मिस्त्रियों का समूह। एक पत्थर के टुकड़े को, एक भारी पत्थर का टुकड़ा है, भारी टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, उठाने का भरसक प्रयास करते हुए। ये इसमें शो किया गया है, ठीक है। अब देखिए, इनका एक और मूर्ति शिल्प था, शहीद स्मारक। शहीद स्मारक, ये मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाया है, और ये कहाँ है? पटना सचिवालय भवन में। कहाँ? पटना सचिवालय भवन। ये पटना सचिवालय भवन में इन्होंने बनाया है। इसका माध्यम भी क्या था? कांसा था। ये भी इन्होंने कांसे में बनाई हुई है। और ये देखिए, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने ये बनाई थी, और इसका जो समय था वह 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसके बाद इन्होंने ये मूर्ति शिल्प बनाया हुआ था, ठीक है। अब देखेंगे, इनका एक विशालकाय मूर्ति शिल्प था, विशालकाय मूर्ति शिल्प। तो आप लोग पहचान ही गए होंगे मैं क्या लिखवाने वाली हूँ विशालकाय मूर्ति शिल्प में। इनके इनका मूर्ति शिल्प था स्वतंत्रता स्मारक, दांडी मार्च, स्वतंत्रता स्मारक, दांडी मार्च। दांडी मार्च इन्होंने बनाया था। और देखिए, इसकी माप क्योंकि मैं लिखवाऊंगी, इसमें संयोजन था 11 आकृतियों का। सबसे मेन चीज ये, कई बार पूछा गया है, 11 मूर्ति थी इसमें, ठीक। ये प्रश्न आया हुआ है, कितनी मूर्तियों का संयोजन था? तो 11 मूर्ति शिल्प का था। और ये कहाँ बनी? दिल्ली में। और ये इस तरह से आता है कि डीपी राय चौधरी की दिल्ली में कितने मूर्ति शिल्प हैं? तो 11 मूर्ति शिल्प हैं, ठीक है। अब लिखेंगे, इसकी माप थी 29 मीटर लंबी, 29 मीटर लंबाई, और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई थी 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर चौड़ाई का एक मूर्ति शिल्प बनाया गया था। और देखिए, ये भी कांसे में बना था, और ये संदेश देता है अनेकता में एकता का, ये संदेश देता है इनका मूर्ति शिल्प। और इनकी ये जो मूर्ति शिल्प था, ये इनकी मृत्यु के पश्चात ही स्थापित किया जा सका था। जब ये बना था, उसके बाद ये दिल्ली में इनकी मृत्यु के पश्चात ही स्थापित हो चुका था, बाद में स्थापित हुआ, इनके सामने नहीं स्थापित हुआ था। 1892 की बात है। उन्नीस सौ बयासी में स्थापित हुआ था। अब देखिए, इनकी जो मृत्यु थी वह हो चुकी थी 15 अक्टूबर 1975 में। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 15 अक्टूबर 1975, ठीक। ये इनका मूर्ति शिल्प था। देखिए, वैसे तो इनका जो विषय था वो महिला पर था, महिला इनका मेन विषय था डीपी राय चौधरी का। इन्होंने देखिए, सभी भी बनाया था लखनऊ में रामकृष्ण मिशन के लिए, और वह सभी इन्होंने बनाई थी स्वामी विवेकानंद का, सभी चित्र इन्होंने बनाया था लखनऊ में, बनाया था और रामकृष्ण मिशन के लिए बनाया था। तो ये चीज याद रखेंगे, डीपी राय चौधरी से, डीपी राय चौधरी से ये प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया, कई बार आ चुका है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे। मेन चीज ये नहीं पूछी जाती कि इनका मूर्ति शिल्प ये है या किसका है, इस तरह से नहीं। ये किस माध्यम में बना है, इसकी माप क्या है, कहाँ पर बना है, इनकी मृत्यु के पश्चात स्थापित हुआ कि पहले स्थापित हुआ, तो ये कुछ जो अंदर की चीजें हैं आजकल वो पूछी जाती हैं। तो आपको, जब भी आप पढ़ें, किसी भी आर्टिस्ट को पढ़ें,
तो उनका पूरा जीवन परिचय कहानी के रूप में पढ़िएगा, तब आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। उनकी एक एक लाइन जो अंदर से पूछी जाती है, जो चीजें हमें नहीं पता थी, जैसे भारत का रोंदा किसको कहा जाता है, इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वो चीजें हमें पूरी डिटेल पढ़ने के बाद ही निकल कर आती है। ठीक, मेन मेन तो ये जानते हैं, ये होता है कि जैसे आप एग्जाम से पहले जा रहे हैं, तो एग्जाम से पहले रिविजन के लिए, बाकी मेन आपको पढ़ना है और मेन पढ़ने के बाद ही आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। वैकेंसी जरूर आएंगी, वैकेंसी का वेट करते रहिए, वैकेंसी आ सकती है, और अपनी तैयारी प्रॉपर रखेंगे। अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।